कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाओ, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराओ। जब भी देखूं सूखी धरती झट से पिघल में जाओ, गर्मी से तंग लोगों को ठंडक में पहुंचाओ, खुशी खुशी से गर गर करके झमझम बूंदे लाओ, इसीलिए तो कहता हूँ मैं बादल बन जाओ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल फन विद कोको में। आज मैं और कोको फिर एक नया वीडियो लेकर आप सभी का स्वागत करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू विजिट अ मिनी टी गार्डन विच इज सिचुएटेड इन अ स्मॉल विलेज इन असम। मैं और कोको ऑटो में जा रहे हैं कोको के नाना जी का बागान देखने के लिए, जो आप लोग देख सक रहे हैं दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है, धान का खेत है। कितना अच्छा लगता है जब प्रकृति के हम लोग इतने नज़दीक आ जाते हैं। इसे धान का गोला कहते हैं, जो आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर ज़्यादातर घरे मिट्टी का बना हुआ है, देख के लगता है कि इन लोगों का रहन सहन कितना सिंपल होता है। तो हम लोग प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। मंद हवा की खनखनाहट, ताजी हवा की सनसनाहट, इससे दिमाग शरीर और आत्मा खुश हो जाता है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मिनी टी गार्डन चा बागान में। वीडियो में जो आप लोग पौधे देख रहे हैं उसमें रिसेंटली कटिंग हुआ है, तो इसलिए इनका पत्तियां नहीं है। ये है चाय की पत्तियां। चाय की पत्तियां हमेशा एक कली और दो पत्ते जैसे इस तरह से उगाते हैं। एक सिंगल डाली में एक कली और दो पत्ते इस तरह से। एक चाय के पौधे लगाने से लेकर एक चाय की पत्तियां उगाने तक बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मुझे जितना मालूम है मैं उतना बताने की कोशिश करूंगी। Required lot of things for maintenance, like it requires fertilizers like ammonium sulfate, organic matter, nitrogen, phosphorus, urea, a lot of things for the maintenance. पौधों को एक मीटर हाइट तक कटिंग किया जाता है, जिसे प्रूनिंग कहा जाता है। अगर वो ना काटा हो तो वो लोग वो बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। And tea harvesting is mostly hand-picked. चाय के पत्तियों में पेस्ट इन्फेस्टेशन भी होता है, इसलिए इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि पत्ते जो है वो पूरी तरह फ्रेश हो। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि पत्ते पूरा अच्छा रहे,
जैसे जियोलाइट, जिंक और तरह तरह के केमिकल्स। ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हार्वेस्टिंग मोस्टली ऑकर्स फ्रॉम मार्च टू दिसंबर। रास्ते के किनारे ये सामान बिक रहे थे जो पूरा हैंडक्राफ्टेड है, जो बैम्बू और केन से बना हुआ है चीज़ें। सभी के सभी सामान यहाँ पर हैंडक्राफ्टेड है। आशा करती हूँ आपको हमारा ये मिनी टी गार्डन का सेट और ये गांव का एक विलेज लाइफ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू गिव मी अ थम्स अप, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और ये मुझे उत्साहित भी करता है और वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। अंटिल देन, बाय बाय।